अगर जिनपिंग को इस बात का गुमान है कि वो ताइवान को जब चाहे मसल कर रख देंगे, तो ड्रैगन को यह समझना होगा कि चीन की इस घमंड को तोड़ने के लिए ताइवान के पास अमेरिका है, जो ताइवान को बचाने के लिए न सिर्फ उसे सुरक्षा दे रहा है बल्कि हथियार देकर सक्षम भी बना रहा है। अब ताइवान स्ट्रेट में चीन के लिए मुश्किल पैदा होने वाली है। अगर वो पीछे हटा तो भदपिटनी तय है, और वहीं रुका रहा तो ताइवान इतने बारूदी वार करेगा कि जिनपिंग याद रखेंगे, क्योंकि ताइवान को अब डर नहीं, उसके पास गॉडफादर अमेरिका है। चीन एक मिसाइल छोड़ेगा, ताइवान ड्रोन मार गिराएगा। ड्रैगन वॉरशिप से घेराबंदी करेगा, अमेरिका वॉरशिप डुबो देगा। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चीन ताइवान में घुसपैठ करेगा, ताइवान उसे खदेड़ कर रहेगा। और इसके लिए ताइवान ने जबरदस्त प्लानिंग की है, फिर चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े। ताइवान इस बात को जानता है कि अमेरिका उसका गॉडफादर है, जिसकी वजह से चीन लाख चाहकर भी ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता है। बस यही डर चीन की बौखलाहट की वजह बन रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि ताइवान अमेरिका की जोड़ी से चीन क्यों घबराने लगा है। दरअसल अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह से ले लिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ताइवान को $1.1 बिलियन की हथियारों की खेप भी भेज रहा है, जिसमें 60 एंटी मिसाइल और 100 एयर टू एयर मिसाइल दी जा रही है। अमेरिका ने ताइवान को एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए हैं, जबकि अमेरिकी वॉरशिप लगातार ताइवान की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिससे चीन अगर हमला करता है तो अमेरिका तुरंत पलटवार कर सके। इस बात को जानते हुए चीन ने एक बयान जारी कर दिया है, जिसमें चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा, हम ताइवान को दिए जाने वाले हथियारों का पूरी तरह विरोध करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये चीन अमेरिका के संबंधों के लिए विनाशक होगा, जिसकी वजह से ताइवान स्ट्रेट में तनातनी का एक और दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका पर चीन की इस धमकी का कोई असर न पहले था और न ही आगे होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी रणनीति, जिसमें ताइवान को सामने रखकर अमेरिका चीन को चक्रव्यूह में फंसा सकता है। और ताइवान की हर रणनीति का साक्षी TV9 भारतवर्ष बन रहा है। चीन और ताइवान के बीच जंग के माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी तनाव पर नजर रखने के लिए TV9 भारतवर्ष लगातार ताइवान में मौजूद है, और अब हम आ चुके हैं ताइवान की राजधानी ताइपे से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक ऐसे आइलैंड पर जो ताइवान स्टेट कहलाता है। यह फ्रंट लाइन है, जो सबसे पहले अगर चाइना ताइवान में घुसने की कोशिश करेगा तो इसी फ्रंट लाइन पर उसका सामना ताइवानी सैनिकों से होगा, कोस्ट गार्ड से होगा, नेवी से होगा। हम आ चुके हैं ताइवान के एक ऐसे इलाके में जो लगभग 50 से 70 साल पुराना टनल है, जिसे 60 के दशक में जब चाइना और ताइवान से युद्ध हुआ था तब बनाया गया था। दरअसल ताइवान ठीक वैसी ही रणनीति चीन के खिलाफ अपना रहा है, जैसी यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनाई है। यानी ताइवान ठीक यूक्रेन वाला दांव चल रहा है, एक बार दुश्मन की सेना घिर जाए उसके बाद उसे छापामार तरीके से ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए और जंग को लंबा खींचा जाए।
ताइवान इसके लिए 60 के दशक के कई खुफिया बंकर और सुरंग को भी रहने लायक बना चुका है, जहां छिपकर वो चीन को चकमा दे सके। सबसे पहले तस्वीरों में आप देखिए कि इस टनल के अंदर जाने का रास्ता कैसा है। 1960 के दशक में इस टनल को बनाया गया था और मजदूरों के सहायता से हाथों से इस पहाड़ को काटकर इस टनल को बनाया गया था। बताया ही जाता है कि 60 के दशक में जब चीन ताइवान पर कब्जा करने के मकसद से लगातार शेलिंग और बमबारी कर रहा था, तो उस वक्त ताइवान अपनी शिप्स को छुपाने के लिए, अपने सैनिकों को शरण देने के लिए और यहां से टारगेट पर नजर रखने के लिए इस पूरे टनल को बनाया था। जिस जगह पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची थी वो एक सीक्रेट सुरंग थी, जिसमें जंग के दौरान खाने पीने से लेकर कई दिनों तक रुकने का पूरा इंतजाम किया गया था। यहाँ पर कैसे सैनिकों ने अपने हाथों से इस पूरे पहाड़ को काटकर इस टनल को बनाया था, एक एक पत्थर यहां से चुन चुन कर बाहर लेकर गए थे और कैसे इस टनल को रहने योग्य बनाया था, कैसे इसमें शिप्स को छिपाया गया था, उन सभी की कहानी बताता यह टनल और प्रतीक के तौर पर आज भी यहां पर स्टैचू के रूप में ताइवानी सैनिक यहां पर देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ताइवान के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो उसने अमेरिका से खरीदे हैं। वो इतने मारक हैं कि अगर ताइवान उनका इस्तेमाल शुरू कर दे तो ड्रैगन के देश में भारी तबाही मचेगी। अब उन हथियारों के बारे में सुन लीजिए जिनसे चीन घबराने लगा है। F-16 फाइटिंग फाल्कन अमेरिका द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन फाइटर जेट। ही संग फेंग 3 मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल। स्काई बो 3 जमीन से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। M-1 अब्राम टैंक अमेरिका की तीसरे जनरेशन की तोप है। M-109 पैलेडिन हॉविट्सर अमेरिका की सेल्फ प्रोपेल तोप। M-142 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। हेलफायर HE मिसाइल ड्रोन या हेलीकॉप्टर से भी दागी जाने वाली मिसाइल। ताइवान ने चीन से मुकाबले के लिए और पलटवार के हथियार इकट्ठा किए और कई खेप उसे मिलने जा रही। तभी तो बीते 70 सालों में ताइवान इस बार चीन पर भारी पड़ता दिख रहा है। खासतौर से अपनी रणनीति की वजह से ताइवान की टोपोग्राफी को भी समझिए, जिसकी वजह से चीनी सैनिक ताइवान में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दरअसल 70% पहाड़ी जमीन वाले ताइवान ने पहाड़ों को अपना किला बनाया है। इसके अलावा ताइपे शहर की रौनक भरी सड़कों के नीचे भी सुरंगों का पूरा जाल बिछा लिया है। इस टनल की तस्वीरें देखिए और नाव पर बैठकर सवार होकर अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस वक्त में इस टनल के अंदर नाव चला करती थी, कैसे वॉरशिप आया जाया करती थी और कैसे इन वॉरशिप्स के जरिए यहां पर ताइवानी सैनिक अपने हथियारों को से लेकर अपने सैनिक अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करते थे। अभी भी कितना खतरनाक है यह टनल, इसको समझने की कोशिश करिए। यह पूरा पहाड़ है, पहाड़ के अंदर रास्ता काट के इस टनल को बनाया गया है ताकि आप अंदर जा सके और अंदर देखिए कि यह टनल अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। लगभग 2 साल का वक्त लगा जब इसको काटकर मैन्युअली काटकर, उस समय 60 के दशक में उतनी मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, मैन्युअली हाथों से काटकर इस टनल को बनाया गया। ताइवान ने अपना सिक्योरिटी सिस्टम जबरदस्त मेंटेन किया है और वो बेहद हाईटेक भी है, जिसकी वजह से 1000 किलोमीटर दूर अमेरिकी गुआम बेस से तुरंत मदद मांगी जा सकती है। जब तक ये सुरंगें ताइवान के सैनिकों की हिफाजत करेंगी, जो करीब करीब पूरे ताइवान में है, बाकी का काम अमेरिका कर देगा, जिसके 2 वॉरशिप ईस्ट चाइना सी में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दोनों ही वॉरशिप न्यूक्लियर हमला करने की भी ताकत रखते हैं, इसलिए चीन सिर्फ ताइवान को धमकाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।